राम राम भाई, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज छकला भगरे का लास्ट भगरिया उत्सव मेला है। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आदिवासी जो मेला होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि लड़के पूरे सज झज कर मैं भगरिया मेला देखने जा रहे हैं, और हम लोग भी चलते हैं। तो दोस्तों आइए, और ये देखिए दोस्तों, बड़े से लेकर बूढ़े तक सभी हमारे आदिवासी ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर यहाँ पर जा रहे हैं तैयार होके। तो दोस्तों दो दिन बाद कवाट गेर मेला भी आपको बताऊंगा, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, लाइक भी ज़रूर कर दें। तो आए दोस्तों और भी मेले में चल के देखते हैं। बाहर से भी लोग यहाँ पर भोगरिया का आनंद लेने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों कहाँ से हो अंकल जी? इंदौर से। ये इंदौर से आए हुए इस आदिवासी उत्सव मेले में क्या संदेश देना चाहोगे मैम? सकला ये आदिवासी मेला है भोगरिया लास्ट सकला का, तो आप ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे? ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि ये इंडिया का कितना एक कल्चरल फेस्टिवल है जो देखना चाहिए। हम लोग पहली बार देखने आए हैं। अच्छा और बहुत एक्साइटेड है, कैसे होता है क्या होता है, बड़ा ही कलरफुल है और अपना कल्चर देखने को मिलेगा। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अच्छा, आपका सभी का स्वागत है। यहाँ पर युवा चश्मा लेते हुए तो हमारे साथ कुछ युवतियाँ है यहाँ पे चश्मा खरीद रहे हैं, और आप लोग देख पा रहे होंगे कतरा में ले दो, 50-50 में ले रहे हैं। ये भोगरिया आनंद उठा रहे हैं युवतियाँ। ऑलमोस्ट भोगरिया अभी भरा गया है, और यहाँ पे जानेंगे हमारे दोस्त के यहाँ कितनी भीड़ है हरेम स्टूडियो पे। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ बहुत ही भीड़ लगी हुई है, और अंदर जाके देखते हैं। तो ये है नरेश भाई, ये हरियम है, ये नरेश भाई। क्या कितनी भीड़ है आज? मजा आ रहा है भगरिया में?
आए हुए हम, इसलिए मजा आ रहा है। और क्या है दूसरा खास? ये खास है कि हम आदिवासी है तो इस पर्व को हम धूमधाम से मनाते हैं। ये हमारी आदिवासी संस्कृति में सबसे बढ़िया सबसे अच्छा त्यौहार माना जाता है घुघरिया पर्व। इसको हम धूमधाम से मनाते हैं। इसको छोटे बच्चे बूढ़े सभी दादा दादी सभी बहुत अच्छे से मनाते हैं।